लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व काफ़ी एक्टिव हो गया है। संगठन और सरकार में फेरबदल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भाजपा मुख्यालय में सोमवार देर रात और मंगलवार को दिन भर बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जा सकते हैं। वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ नेताओं को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार शाम से रात 12:30 बजे तक भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महासचिव बीएल संतोष ने फेरबदल को लेकर बैठक की। यह बैठक मंगलवार को भी चली। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र 3 नए महासचिव बनाए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने और संगठन में फिर से एनर्जी भरने के लिए 1-2 नेताओं को लाइमलाइट में भी लाए जाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। पार्टी के एक सीनियर लीडर का कहना है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु और केरल में अन्य दलों से गठबंधन पर भी पार्टी इस बैठक के बाद फैसला लेगी। माना जा रहा है कि पार्टी इन राज्यों से NDA का कुनबा बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।